वेलकम एवरी वन टू फिजिका सो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे पार्ट सी जो सी एस एफ नेट नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में आए थे एंड दिस इज द एलेवंथ क्वेश्चन ऑफ़ द पार्ट सी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये मैं बहुत सारे पहले ही क्वेश्चन कर चुका हूँ पार्ट बी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिया एंड पार्ट ए के भी सो so, आप वो सारे मैंने चैनल पर देख सकते हैं बाकी प्रीवियस ईयर्स के भी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर भी करो ये चैनल बाकियों के साथ एंड एलेवेंथ क्वेश्चन था ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर के क्वेश्चन करूंगा मैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर के सो द क्वेश्चन इज द बाइंडिंग एनर्जी बी ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द फॉर्मूला सो ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है सो so, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से आया हमें बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है ए वन ए माइनस एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है ए टू ए रेस्ट पर टू बाई थ्री माइनस ए थ्री जी स्क्वेयर ए रेस्ट पर माइनस वन बाय थ्री माइनस ए फोर ए माइनस टू जी ए रेस्ट पर माइनस वन वेयर जी इज द एटॉमिक नंबर जो जई जेड है वो एटॉमिक नंबर है एटोमिक नंबर मतलब इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रजेंट इन साइड द न्यूक्लियस सो दिस इज द एटोमिक नंबर एंड ए इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर है सो यूज यही डिनोट करते हैं मास नंबर इट इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन का रेशियो हमें नियरली इक्वल टू थर्टी सो ये अप्रोक्सीमेशन हमें दे रखी है एटॉमिक नंबर जेड फॉर नेचुरली अक्रिंग फॉर नेचुरली स्टेबल आइसोबार कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ए इज एटॉमिक नंबर बताना है फॉर नेचुरली स्टेबल आइसोबार्स सो नेचुरली स्टेबल आइसोबार पहले तो देख लो कि आइसोबार्स होते क्या हैं। सो so, दो चीजें होती हैं। एक तो आइसोटॉप्स एक आइसोबार्स आइसोटॉप्स होते हैं दीज आर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर जैसे हाइड्रोजन के होते हैं एच वन वन एच वन टू एच वन थ्री ठीक है ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं C12, C612 और C614, ठीक है तो so ये ये तो होते हैं आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स नाउ हमें बताना है स्टेबल आइसोबार्स आइसोबार्स क्या होते हैं आइसोबार्स दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीनस दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z, दे हैव डिफरेंट Z, बट सेम मास नंबर सो इनका सेम मास नंबर होता है इसके अपोजिट ठीक है तो इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम मास नंबर मास नंबर सेम मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिय न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो दोनों सेम रहेंगे इसमें आइसोबार्स में ठीक है सो so, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन एन फोर्टीन और कार्बन का सिक्स फोर्टीन सो ये दोनों इनमें डिफरेंट जेड है बट आ, मास नंबर इनका सेम है ऐसे ही एक कैल्शियम और आर्गन होता है इनका एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट होता है बट मास नंबर जो है दोनों का फोर्टी होता है ऐसे ही सोडियम और मैग्नीशियम भी होते हैं इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है इसका इलेवन होता है इसका ट्वेल्व होता है एंड जो मास नंबर है दोनों का सेम है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ठीक है तो इसे कहते हैं हम आइसोबार्स इसमें पूछा है फॉर द मोस्ट आइसोबार आइसोबार्स मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन से होते हैं फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स मतलब इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस विद गिवन मास नंबर ए ठीक है हमें यह बताना है फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोमर मतलब इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस विद अ गिवन मास नंबर ए क्योंकि आइसोबार है तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा बट एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होगा तो Z तो डिफरेंट है Z वेरी कर रहा है सो इट इज दैट न्यूक्लियस सो मोस्ट स्टेबल आइसोबार वो होता है दैट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी सो इट इज दैट न्यूक्लियस इट इज दैट न्यूक्लियस दैट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ठीक है इसका मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफ्रेंसिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू इसमें एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट है बट इसमें Z जो है वो वेरी करता है क्योंकि आइसोबार्स में यही होता है मोस्ट स्टेबल आइसोबार का मतलब यही है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो Z है एटॉमिक नंबर डेट विल वेरी सो डेल बाइंडिंग एनर्जी बाय डेल Z और मास नंबर क्योंकि कांस्टेंट है मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कांस्टेंट है दैट वी कैन इक्वेट इट टू जीरो एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार कोरोस्पॉन्डिंग ठीक है इससे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेट कर देंगे जीरो से और z की वैल्यू यहाँ से हम पता कर लेंगे z की कौन सी वैल्यू है जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार को कोरोस्पॉन्ड करती है सो so, कैसे निकालेंगे हम सिंपली डिफरेंशियट करते हैं सो लेट्स डिफरेंशिएट सो हमें ये जो दे रखा है दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जेड सो लेट्स डिफरेंशिएट सो फर्स्ट टर्म से क्या आएगा सो डेल बी बाई डेल जेड करना है सो so, ये तो पहली दो टर्म से तो जीरो हो जाएगा यहां से टू जी आएगा सो so, बचेगा क्या हमारे पास माइनस टू ए थ्री जी ए रेस टू माइनस वन बाय थ्री माइनस अब यहां से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा जीरो माइनस टू जी आएगा सो यहाँ पे लिखता हूं मैं डायरेक्ट ए फोर और ये स्क्वेयर है सॉरी यहाँ पे ये इसका स्क्वेयर है ठीक है तो टू पहले बाहर आ जाएगा एंड ए माइनस टू जी बचा अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू एंड इन ए पर माइनस वन है एंड इक्वेट कर दिया हमने ज़ीरो के एक ठीक है सो so, यहाँ से तो काफ़ी ईजी हो गया अब तो बस सिंपली इधर उधर टर्म्स ले जानी है सो so, पहले तो टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो सो so, हमारे पास बच जाएगा माइनस ए थ्री जी ए रिस्ट पर माइनस वन बाई थ्री माइनस सो ये एक, एक और टू बच जाएगा सो so ये एक तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव एंड टू ए फोर ए माइनस टू जी ए रिस्ट पर माइनस वन यहाँ पे ए रेस्ट पर माइनस वन है सो पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो सो ये ये डिटेक्ट हो जाएगा ठीक है तो तो और एक चीज हमें दे रखी थी हमें एक चीज दे रखी है ए फोर बाय ए थ्री का रेशियो तो क्या करते हैं ए थ्री को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो मैं अब पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ कि एक तो ए थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से ठीक है तो पूरी इक्वेशन को इस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारे so, पास बच जाएगा माइनस जी ए रेस्टू पार माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री प्लस वन क्योंकि ए से मैंने मल्टीप्लाई करा सो so ये पावर प्लस वन में हो जाएगी इंटू टू ए फोर बाय ए थ्री इंटू ए माइनस टू जी और ए रेस्टू पार माइनस वन इंटू ए डेट विल बी इक्वल टू वन ओनली तो इसको जीरो और इसकी वैल्यू हमें पता है इट इज थर्टी हमें दे रखी है क्वेश्चन में सो माइनस जी ए रेस्ट पर हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस ये थर्टी है तो ये सिक्सटी हो जाएगा तो सिक्सटी ए मैं अंदर ले गया माइनस वन ट्वेंटी जी इक्वल टू जीरो सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द जी वैल्यू जेड वैल्यूज को सारी को उधर ले जाओ एंड सिक्सटी ए को इधर रहने दो एंड वन ट्वेंटी प्लस ए रेस्ट पर टू बाई थ्री इंटू जी सो so, यहां से हमारे पास जी आ जाएगा सिक्सटी ए बाय ट्वेंटी प्लस ए रेज टू पार टू बा तो बहुत इजी क्वेश्चन था तो थर्ड ऑप्शन देख लो सेम क्वेश्चन सेम दे रखा है so, सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन आपने अगर मेरी वीडियोज पहले देखी हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं मैंने पहले दो बार ये एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आ रखा है तो मैंने वो सोल्व कर रखा है ऐसा सेम क्वेश्चन सो so, बहुत इजी क्वेश्चन था ये सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो ये मोलिकुलर फिजिक्स से आया था क्वेश्चनिंग फ्रॉम प्योर रोटेशनल इफेक्ट एच सी एल आर ऑब्जर्व एट सो दीज आर दिन लाइन है प्योर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ एच सी एल आर ऑब्जर्व एट सो इस, इस वेव नंबर पर ऑब्जर्व रही है सो so, ये चार वेव नंबर दे रखे हैं हमें द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द एचसीएल मोलिक्यूल इज टेकन इज सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड हमें दे रखा है टेक एच क्रॉस एच क्रॉस बाई टू पाई सी की हमें वैल्यू दे रखी है इतनी सो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सो so, अगर आपको आपको बेसिक पता ही है कि वेव नंबर क्या होता है एंड उसको आपको रिलेशन पता है कि इन दोनों का सेपरेशन जो लाइन्स हर लाइन्स का सेपरेशन होता है एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में वो टू बी होता है सो so, वहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लो अगर बी की वैल्यू आपको याद है तो वहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल जाएगा लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट अगर समझाना है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहां से कैसे कैसे, कैसे होगा तो लेट्स सी कैसे कैसे आता है ये सो so, अगर आपने एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाली होंगी एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की यूजिंग दर इक्वेशन में पुट करके सिंपली आ जाती है एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द जेथ लेवल की ठीक है जे इज द रोटेशनल Uh, इसको जे को कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ई जे जो आता है सोल so जब करते हैं हम सो so वो आता है एच क्रॉस बाई टू आई जे जे प्लस वन ठीक है जे क्वांटम नंबर है रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच क्रॉस तो एच बाई टू है ठीक है तो दिस इज दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द जेथ लेवल जो हमें मिलती है सो so हम इसको वेव नंबर के टर्म्स में लिखेंगे हमें पता है एनर्जी होती है एच न्यू और एच सी बाय लामडा और इसको लिख सकते हैं एच सी बार पन बाय लामडा को न्यू बार लिख देते हैं सो so यहाँ से न्यू बार जो है हमारा दैट इज द वेव नंबर वो आ जाएगा ई बाय एच सी सो यहाँ पे सिंपली पुट करते हैं सो so यहाँ पे न्यू बार हो जाएगा न्यू बार जे सो मैं जे एथ लेवल के लिए निकाल रहा हूँ कितना होगा वेव नंबर डेट विल बी ई जे बाय एच सी से डिवाइड कर देते हैं सो एच क्रॉस का स्क्वायर बाई टू आई एच सी जे जे प्लस वन सो ये हो गया हमारा वेव नंबर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो so, उससे पहले दिस इज कॉल्ड बी इसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं एंड इट इज नोन एज रोटेशनल सो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली बस इसकी वैल्यू याद कर लीजिए क्योंकि ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द जेथ लेवल ये याद कर लोगे तो वेव नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वहां से आपको पता चल जाएगा वेव नंबर को हम लिख देते हैं कभी कभी ऐसे लिखते हैं बी जे जे प्लस वन बी जे जे प्लस वन ठीक है सो so, या तो ये याद होना चाहिए या वो याद होना चाहिए तो वहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो एनर्जी की वैल्यू पता है और इसको पता है कि वेव नंबर ऐसे लिखते हैं तो बी की आपको रोटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी सो so, बी होता है एच क्रॉस का स्क्वायर बाय टू आई एच सी सो so, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एच क्रॉस को एच बाई टू पाई लिखते हैं सो so, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्र बाय टू और टू पाई का स्क्वायर डेट विल स्क्र इन टू आई एच सी सो एक एच एक एच यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा बी विल बी इक्वल टू एच बाय एट पाई स्क्वेयर आई सी नाव हमें जो वैल्यू दे रखी है एच क्रॉस बाई टू पाई सी की दे रखी है सो so, यहाँ पे एक एच क्रॉस हमें करना पड़ेगा सो एच बाई टू पाई यहाँ पे कॉमन लेके उसे एच क्रॉस बना देंगे तो हमें मिल जाएगा एच क्रॉस बाय यहाँ से टू पाई मैंने निकाल लिया सो so बचेगा फोर पाई आई सी ठीक है तो बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एच क्रॉस बाय टू पाई आई सी सो और वी कैन राइट दिस एज बी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू पाई सी इंटू वन टू आई ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्योंकि हमें दे रखी है मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख लिया नाउ यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगा कि जब आप रोटेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाते हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रा जब बनाते हैं सो so, वो कुछ इस टाइप का दिखता है सो इफ दिस इज द वेव नंबर जो पर सेंटीमीटर में है वेव नंबर सो जो फर्स्ट लाइन जो आती है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लेट्स से वो इधर आ रही है न्यू वन बार एंड ये सेकेंड लाइन है न्यू टू बार ये थर्ड लाइन है न्यू थ्री बार हमें यही लाइंस दे रखी हैं पांच लाइंस देख रखी हैं मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये सारी लाइंस लेट सी देख रखी है न्यू फाइव बार ठीक है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये जो सेपरेशन है दिस इज अंस्टेंट एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टू ये क्यों होता है ये मैं अभी बताता हूँ सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव रोटेशनल लाइन्स सो दीज आर रोटेशनल लाइन्स एंड दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो सेपरेशन बिटवीन टू रोटेशनल लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू टू बी ठीक है एंड रोटेशनल लाइन्स आती क्यों है दीज आर ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स सो ट्रांजिशन जो होता है बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स सो रोटेशनल लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से ये लाइंस आती हैं सो so, अगर मैं रोटेशनल लेवल्स बताऊं, सो कैसी uh, होते हैं रोट, uh, जो ट्रांजिशन होती हैं कैसे होती हैं सो लेट्स से दीज आर रोटेशनल लेवल्स सो रोटेशनल लेवल्स की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होती रहती है क्योंकि एनर्जी uh, जो हमारा न्यूजे बार है वो है बी जे जे प्लस वन तो जो स्पेसिंग है अगर इसका uh, इसका मैं वेव नंबर न्यू जे से लिख रहा हूँ और दिस इज जे अगर जे ज़ीरो है तो जे ज़ीरो हो जाएगा एंड अगर जे इक्वल टू तो वन है तो ये हो जाएगा टू बी के इक्वल अगर जे इक्वल टू टू है तो ये हो जाएगा टू uh, सिक्स बी जे इक्वल टू तो थ्री है तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बी एंड जे इक्वल टू तो फोर है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी बी एंड जो ट्रांजिशन होते हैं सेलेक्शन रूल्स होते हैं हर किसी ट्रांजिशन के लिए सो सेलेक्शन रूल्स जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए उसकी कंडीशन होती है डेल्टा जे मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस वन ठीक है तो प्लस माइनस वन का ट्रांजिशन अलाउड होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में सो ट्रांजिशन जीरो से ये वाली ट्रांजिशन अलाउड हो सकती है लेकिन जीरो से ये टू जीरो से जे इक्वल टू टू की लाइन अलाउड नहीं होगी ठीक है ऐसे ही जे इक्वल टू वन से टू की लाइन अलाउड होगी ऐसे ही यहाँ की ये लाइन अलाउड होगी ऐसे ही यहाँ की ये लाइन अलाउड होगी ठीक है सो so, ये लाइन सारी अलाउड है ठीक है तो अगर दीज आर ट्रांजिशन सो हमें एब्जॉर्प्शन लाइन दे रखी है मतलब ट्रांजिशन हाइयर लेवल से लोअर लेवल पे हो रही है सो so, ये ऐसे ट्रांजिशन होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सो एब्जॉर्प्शन लाइन ही दे रखी है सो ये एबजॉर्प्शन लाइन नहीं है एंड अगर हाइयर लेवल से लोअर लेवल पे जाती है तो मतलब एनर्जी एमिट होती है दैट इज एमिशन लाइन ठीक है तो ये एब्जॉर्प्शन लाइन से दे रखी है तो ये ये लाइन्स अलाउड है और इनके बीच का गैप अगर आप देखोगे तो ये टू बी है मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है ये टू बी पे बन रही है एंड जो सेकेंड ट्रांजिशन का डिफरेंस अगर आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना है दिस इज फोर बी सो सेकेंड लाइन फोर बी पे बनेगी थर्ड लाइन का डिफरेंस देखो दिस इज सिक्स बी तो ये सिक्स बी पे बनेगी ऐसे इसका डिफरेंस देखोगे तो दिस विल बी एट बी सो ये एट बी पे बन रही है ऐसे ये टेन बी पे बनेगी तो so इसलिए जो इनका सेपरेशन है दैट इज ऑलवेज टू बी सो हर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव रोटेशनल लाइंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड ये टू बी के ही रहता है so सो इसमें यही बेसिक था बेसिक प्रिंसिपल यही था सो so, हमें ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का डिफरेंस सो इससे आपको टू बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो so, इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे फर्स्ट टू ये जो दे रखी रखिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो so, पहली लाइन दे रखी है एटी थ्री पॉइंट ज़ीरो थ्री पर सेंटीमीटर पे सेकेंड वन ज़ीरो थ्री पॉइंट सेवन थ्री पर सेंटीमीटर पे थर्ड लाइन वन ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री ज़ीरो पर सेंटीमीटर पे एंड फोर्थ ये फिफ्थ ये फोर्थ है 145.03 पर सेंटीमीटर पे एंड जो लास्ट है 165.51 पर सेंटीमीटर पे सो इन सब का जो सेपरेशन डिफरेंस है सो सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज टू बी सो इसका भी टू बी होगा इसका भी टू बी होगा इसका भी टू बी इसका भी टू बी सो सेपरेशन निकालो इसका आएगा 20.7 so इसका आएगा 20.57 इसका आएगा ट्वेंटी पॉइंट सेवन थ्री इसका ट्वेंटी पॉइंट फोर एट सो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड था तो आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो सो so, देखो एवरेज वैल्यू टू बी की क्या आएगी ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू पर सेंटीमीटर नाउ हमें क्या है ये जो वैल्यू दे रखी है किलोग्राम मीटर में दे रखिए एंड जो आंसर है वो भी मीटर स्क्वेयर में तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में सो so बहुत बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी कन्वर्ट नहीं किया था सो ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट यूनिट्स ठीक है तो यहाँ पे हम टू बी की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर से मीटर में सो दिस इज ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू पर सेंटीमीटर है तो वन बाई सी एम लिख सकते हैं एंड एक मीटर में कन्वर्ट करना है सो so एक मीटर में होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर सो so, ठीक है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल सो so, टू बी की वैल्यू आ जाएगी हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली सो so, टू जीरो सिक्स टू पर मीटर सो so, ये मीटर में वैल्यू आ गई हमारे पास नाउ वी कैन कैलकुलेट सो मैं बी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी बी की वैल्यू ये होती है सो so, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं सो आई वुड बी इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू पाई सी इंटू वन बाय टू बी आ जाएगा इधर यहाँ पे आई था इसको इधर ले गए सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है निकाल ली सो टू बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं टू बी की वैल्यू है टू जीरो सिक्स टू सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सो so आपके पास आएगा टू पॉइंट सेवन टू अप्रोक्सीमेटली किलोग्राम मीटर स्क्वायर सो दिस इज द मोमेंट ऑफ है सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन दिख जाएगा सो so जो सबसे क्लोजेस्ट है दैट इज द सेकेंड ऑप्शन ठीक है तो ये करेक्ट हो जाएगा टू पॉइंट एट इंटू टेन रिस्ट पर माइनस फोर्टी सेवन पर किलोग्राम ओके तो ईजी क्वेश्चन थे अगर आपको कंसेप्ट पता है मैंने कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया सो so बहुत ईजी क्वेश्चन थे सो थैंक यू